मुरादाबाद नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर सुभान अली ने शहर की सफाई व्यवस्था, वाटर सप्लाई और बिजली बंद करने की धमकी देते हुए जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे एक सप्ताह में नहीं मानी जाती तो शहर की आवश्यक जरूरतें बंद कर दी जाएंगी। दरअसल वो आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में चल रहे धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले, विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों 110 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी, जिसके विरोध में सफाई कर्मचारी संघ और नगर निगम कर्मचारी यूनियन के लोग प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इस धरने में अपनी यूनियन का समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जिला प्रशासन को धमकी भरे लहजे में कहा कि वो नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते जिला प्रशासन और प्राधिकरण प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर एक सप्ताह के भीतर 110 कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता तो वह शहर की सफाई व्यवस्था, शहर का पानी, एयर लाइट बंद कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी करते हुए भूल गए कि वो नगर निगम में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, और ड्यूटी समय में एक धरना स्थल पर जाकर इस तरह की धमकी भरी बयानबाजी किस हद तक सही है, ये तो मुरादाबाद का जिला प्रशासन ही बेहतर जानता है। 110 कर्मचारियों को आज इस मंच के माध्यम से 7 दिन का समय देता हूं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को, 110 कर्मचारियों को वापिस ले, वरना आज के 7वें दिन जो स्थिति शहर की खराब होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। और फिर कलेक्ट्रेट में मेरे हाथों पे, मेरे फोटो पे और मेरी थोड़ियों में आप हाथ डालेंगे और उसके बाद हमें अपनी मर्जी का फैसला कराना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी। मैं अवधेश कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ। आज मुरादाबाद विकास प्रांगण में मैं यहाँ 110 कर्मचारी मेरी बिना कारण के जो निकाले गए, सेवा से पृथक किए गए, इसकी सूचना प्राप्त होते ही सबसे पहले मैं कर्मचारियों को यहाँ ढाढ़स बंधाने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ और इस संबंध में मैंने प्रशासन को आज से 3 दिन पहले ही दे चुका था कि क्या कारण है कि 110 कर्मचारियों को बिना कारण के आपने इनको सेवा से पृथक कर दिया, जबकि शासन की नीति के अनुसार इन्हें नियमितीकरण के लिए शासन को संदर्भित सूची और उस सूची के साथ में एक शपथ पत्र गया था यहाँ से प्राधिकरण प्रशासन की ओर से कि इनको अगर नियमित किया जाता है तो समस्त व्यवहार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सक्षम है देने में। लेकिन एकाएक उपाध्यक्ष महोदया एक अकारण नीतिगत न करके इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया, उनके आदेश तो दिए नहीं गए, फाइलों पे किया गया और मैंने संज्ञान लिया। मैं आज ही प्रमुख सचिव आवास को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी जो हमारे इस विभाग के मुखिया भी हैं और इस देश, इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका कहना था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और सबका विकास, सबका साथ लेके चलेंगे। उस उद्देश्य को हमारी उपाध्यक्ष महोदया जो है विखंडित कर रही हैं। अब हमारा अभी कौन कौन संगठन आपके साथ है? हमारे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का तो जितने लोकल यूनिट हैं, सारे घटक दल, सारे विभाग के हमारे साथ हैं और प्रदेश स्तर पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, हमारा नगर निगम, हमारा सिंचाई विभाग, निर्माण निगम, अभी हम जितने भी हमारे हैं सारे विभाग के लोग, चूँकि अभी लड़ाई हमने लोकल स्तर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथियों ने शुरू की है, अगर यह कार्य न हुआ, न इनकी बात मानी गई, न इन्हें बहाल किया गया तो पूरा प्रदेश, पूरे संगठन के लोग एक बात बैठक करके निर्णय लेंगे कि हम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों की जब तक की सेवा बहाली नहीं होगी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ सत्संगी जी का, जो हमारे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जी के अध्यक्ष हैं, उनका पत्र मुझे प्राप्त हुआ समर्थन के लिए। और समर्थन ही क्या है, हम सब लोग एक हैं, हमारी बिरादरी कर्मचारी है, हम सब एक हैं। 110 कर्मचारियों को विकास प्राधिकरण के बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। इसमें कई चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो अभी मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, कहीं ऐसा भी मुझे प्रतीत हुआ है कि नए रख के उनसे पैसों की मांग हो,
ऐसा भी संभव है। कुछ दलित लोग हैं तो उनका वैसे भी शोषण हो रहा है, तो ये विकास प्राधिकरण का एडमिनिस्ट्रेशन इंतहा का भ्रष्ट है। अगर ये नहीं मांगता है, मांग तो नगर निगम, मैं वही बता रहा हूँ, इसमें उनकी भ्रष्टाचारी नज़र आ रही है मुझे, वरना ऐसे ही कोई किसी के पेट पे लात नहीं मारता। नंबर एक। नंबर दो, मेरे कर्मचारी पहले मेरे कर्मचारी हैं, मेरे बिरादर हैं, मेरे धर्म, मेरे भाई, मेरे कर्मचारी हैं। मैं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते आज आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज़िला प्रशासन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि 110 कर्मचारियों को एक सप्ताह का मैंने समय दिया है, एक सप्ताह के भीतर इन 110 मेरे कर्मचारियों को अगर विकास प्राधिकरण का प्रशासन वापस नहीं लेता है तो मैं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने की हैसियत से शहर की सफाई व्यवस्था, वाटर सप्लाई, प्रकाश विभाग की जितनी भी लाइटें गली मोहल्ले में हैं सब बंद करा दूंगा। 7 दिवस के भीतर सिर्फ एक ही मांग है, कर्मचारियों की वापसी, सिर्फ वापसी, सिर्फ वापसी, इसके अलावा कोई नहीं। थैंक यू।